शांता कुमार ने कहा कि लोगों ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को इस बार दी है और ऐसी सफलता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। चुनावों के परिणाम से सारी जनता बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुनर्विचार करे और कांग्रेस एक परिवार की गुलामी से बाहर निकले। जब तक वह एक परिवार की गुलामी से नहीं निकलेगी, कांग्रेस का फिर से पुनर्जीवित होना संभव नहीं है। देश और प्रदेश में भाजपा की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार को बधाई देने वालों की उनके निवास स्थान पालमपुर में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। इस मौके पर नूरपुर के विधायक ने शांता कुमार को बधाई दी। शांता कुमार ने इस मौके पर कहा कि लोगों ने मतदान नहीं किया, लोगों ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को इस बार दी है और ऐसी सफलता है जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। शांता कुमार ने कहा कि सफलता का मुख्य कारण भाजपा सरकारों के काम, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व है और भाजपा के लाखों कार्यकर्ता का समर्पण के साथ काम करना है। दूसरा कारण ये था कि देश के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था। देश की जनता ने समर्थन ही नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर दी है। शांता कुमार ने कहा कि चुनावों के परिणाम से बहुत ज्यादा खुश हैं। एक बात की चिंता है, चिंता इस कारण है कि लोकतंत्र सशक्त विपक्ष के बिना नहीं चल सकता। एक ही ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस देश में थी और पता नहीं 22 प्रदेशों में कांग्रेस लगभग साफ हो गई है और भाजपा के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कोई भी ऑल इंडिया पार्टी नहीं है। ये चिंता का विषय है। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस पुनर्विचार करे और कांग्रेस एक परिवार की गुलामी से बाहर निकले। जब तक वे एक परिवार की गुलामी से नहीं निकलेंगे, कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित होना संभव नहीं है। कुछ वरिष्ठ नेता हैं, वे आगे आएं, पार्टी को एक वंश की गुलामी से निकालें और देश को एक सशक्त विपक्ष दें। मंडी संसदीय सीट की जीत पर शांता कुमार ने कहा कि पूरे देश के अंदर कुछ नई बातें सामने आई हैं। जनता ने इस चुनाव में जात पात छोटी बातों को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है, केवल देश का भला क्या है इसको देखकर वोट दिया है और ईमानदारी की राजनीति को जनता ने आगे बढ़ने के लिए अपना वोट दिया है और दल बदल को भी उन्होंने नकारा है। भरोसा नहीं हो रहा, सचमुच मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैंने जब ये कहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़ाने का आनंद लूंगा, तो मैंने पूरे कांगड़ा चंबा में कहा था कि मित्रों मेरा आनंद कम मत करना, अगर आपने ये लीड 2 लाख तक नहीं पहुंचाई तो मेरा आनंद कम हो जाएगा। लेकिन मैं कांगड़ा चंबा की जनता को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और इस बार अपने लिए वोट नहीं मांगा, पार्टी के लिए वोट मांगा, तो शायद जनता ने मुझे कहा कि अपने लिए वोट मांगने की बजाय किसी और के लिए वोट मांगना अधिक महत्वपूर्ण होता है। और जनता ने ये साबित कर दिया कि इस मौके पर मेरे आनंद को बढ़ाना है और 4,70,000 की लीड कांगड़ा के चंबा के लोगों ने देकर एक नया इतिहास पैदा किया है। पूरे देश में पूरी पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे भरोसा है कि कांगड़ा चंबा में श्री कृष्ण कपूर जी इस नई जिम्मेदारी को, जो कांगड़ा और चंबा की जनता ने दिल खोल कर जिम्मेदारी दी है, इसको पूरी तरह से निभाएंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जयराम सरकार जी की कार्यप्रणाली एक डेढ़ वर्ष की जो है उसको ये चुनाव उसके लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे थे। अब जो बड़ी जीत मिली है तो क्या जयराम सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है उस पर मोहर मानते हैं आप? ये देखिए, मैंने कहा कि इस चारा